नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं प्राणेश लेके आया हूँ टेक टू डीप का एक और फ्रेश एपिसोड आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो कि आ रही है Xiaomi की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको कल परसों अपने टेक न्यूज़ में बताया था कि 8 मई को Xiaomi इंडिया Mi 10 ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहा है, तो आज 8 मई हो चुकी है, Xiaomi का Mi 10 लॉन्च हो चुका है। साथ में उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मैं आपको बताऊंगा इसी न्यूज़ में आगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन Mi 10 की। तो Mi 10 जो उन्होंने लॉन्च किया है वो दो वेरियंट्स में लॉन्च किया है, 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला, जिसकी प्राइस उन्होंने रखी है 49,999 रुपये। प्राइस मुझे थोड़ी सी ओवर लगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी प्राइस। जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल मेमोरी, जिसकी प्राइस उन्होंने रखी है 54,999 रुपये। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की अपन बात कर लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.67 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका जो टच रिफ्रेश रेट रहेगा वो 90 हर्ट्ज़ का रहेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, और चूंकि स्नैपड्रैगन 865 है तो ये 5G डिवाइस होने वाला है। इसमें जो एक बात बहुत अच्छी है, इसमें जो आपको रैम देखने को मिलेगी वो LPDDR4X, जो अभी तक रैम स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलती थी उसके बजाय इसके अंदर जो रैम कंपनी ने यूज़ की है वो है LPDDR5, और बहुत कम फ़ोन है जो अभी LPDDR5 रैम पे आते हैं। और इसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 4780mAh की बैटरी है, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलेगी, और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये वायर्ड भी सपोर्ट करता है, और 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस फ़ोन का मैं आपको बता दूं, जो कि है इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। ये इस फ़ोन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ड्रॉबैक है। अगर आप एक टेक यूट्यूबर हैं, आप अपना टेक चैनल शुरू करने का सोच रहे हैं, या कोई भी एक यूट्यूब पे चैनल शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, और आप Mi 10 सोच रहे हैं, Mi 10 यूज़ करके मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, तो आप लोग वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेंगे, पर उसमें 3.5mm जैक होने न होने के कारण आप उसमें एक्सटर्नल माइक नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं ये बोया का BY-M1 माइक यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने अभी मेरे फ़ोन में 3.5mm ऑडियो जैक है। मेरे पास अभी Xiaomi का Redmi K20 Pro है, तो उसमें 3.5mm ऑडियो जैक है, तो मैं उसमें लगा करके एटलीस्ट मैं वीडियो शूट कर करके आप तक पहुंचा सकता हूं। तो इस फ़ोन में आप वो नहीं कर पाएंगे Mi 10 में। चलते हैं अब हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि Xiaomi की तरफ से ही है। साथ ही में Xiaomi ने आज लॉन्च कर दिया है True Wireless Earphones 2। इनका मॉडल नंबर है True Wireless Earphones 2। इसकी उन्होंने प्राइस रखी है 4499 रुपये, जो कि आपको अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर में, यदि इस ईयरफोन्स को आप 12 मई से 17 मई के बीच में परचेस करते हैं तो ये आपको मिलेगा मात्र 3,999 रुपये में। इसके अंदर आपको 14.2mm के ड्राइवर देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े ड्राइवर्स हैं, आपको साउंड और बेस आउटपुट अच्छा मिलेगा इसमें, और इसमें आपको ड्यूअल माइक नॉइस कैंसिलेशन की फैसिलिटी देखने को मिलती है। और साथ ही में इन्होंने आज के लॉन्च इवेंट में Mi Box 4K भी लॉन्च कर दिया, जिसकी प्राइस इन्होंने रखी है मात्र 3499 रुपये। ये एक स्मार्ट बॉक्स है, इसको हम स्मार्ट बॉक्स कह सकते हैं। ये उन टीवीज़ में काम करने के लिए बेटर रहता है, जो टीवी अपन ने पहले खरीदी थी, जो LCD टीवीज़ आपने पहले ली थी, जो स्मार्ट टीवीज़ नहीं होती थी। तो इस बॉक्स को यदि आप उस टीवी में लगाएंगे तो ये आपकी उस नॉर्मल टीवी को, जो नॉन स्मार्ट टीवी है, उसको ये स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा कन्वर्ट ये, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है 2 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी। हालांकि रैम LPDDR3 है, बॉक्स के अंदर LPDDR4X भी नहीं है, पर ठीक है चलेगा। एटलीस्ट आपकी उस पुरानी टीवी को, जो नॉन स्मार्ट टीवी आपके पास पहले से ही है आपके घर में, उसको ये स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करेगी। इसके अंदर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब आप HDMI केबल के थ्रू भी अपनी इस टीवी में इस बॉक्स को पुरानी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब आप इसमें पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह लगा करके उसके अंदर का कंटेंट या डाटा प्ले कर सकते हैं अपनी पुरानी टीवी पे। और उसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। साथ ही में उन्होंने एक और चौथा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया लॉन्च इवेंट में, जिसका नाम है Mi 30 वाट वायरलेस चार्जर। जैसा कि मैंने आपको कल या परसों टेक न्यूज़ में बताया था, उन्होंने 30 वाट का वायरलेस चार्जर भी साथ में लॉन्च कर दिया है, जिसकी उन्होंने प्राइस रखी है मात्र 2299 रुपये। इसको भी यदि आप प्री ऑर्डर करते हैं तो ये आपको केवल 1999 रुपये में मिलेगा, अगर आप इसको प्री ऑर्डर करते हैं तो। ये वैसे उन लोगों के काम की डिवाइस है जिन लोगों के पास ऐसे स्मार्टफोन्स हैं या जिनके घर में ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके घर में किसी के पास भी वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन नहीं है तो इस डिवाइस को आप अवॉइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज में है पोको, तो लाइक ठोको। शाओमी की एक डिवाइस जिसका मॉडल नंबर है M2004J11G, ये आज सर्टिफाई हो गई है सिंगापुर में, जो कि कंफर्म हो गया है ये पोको F2 है। मैं इसके जो लीक्स निकल के आए हैं स्क्रीन पे अपलोड करूँगा, आप देख के मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे ये डिवाइस मुझे लग रहा है 11 या 12 मई को तो ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है, पोको F2 प्रो तो लॉन्च होने वाला है, पर देखते हैं साथ में पोको F2 आएगा कि नहीं। मेरे ख्याल से पोको F2 और पोको F2 प्रो दोनों 12 मई को साथ में ही लॉन्च होंगे। और एक और डिवाइस Xiaomi की जिसका मॉडल नंबर है Redmi K30 5G, ये भी 11 मई को लॉन्च होने वाली है। इसके जो लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं उसके मैं स्क्रीन पोस्ट करूंगा, स्क्रीन पे आप देख के मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको डिवाइस कैसी लग रही है। वैसे इसके अंदर जो प्रोसेसर होने वाला है वो होने वाला है Qualcomm Snapdragon 768G वाला प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर अचानक कहाँ से आ गया ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि 5G प्रोसेसर में जहाँ तक हमें Qualcomm की तरफ से अभी हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो है 765G और 865। तो अब ये देखना ये है कि जो 768 वाला प्रोसेसर है ये 765 का एक बड़ा भाई है, उसका थोड़ा सा अपग्रेड वेरिएंट है, क्या होता है तो मैं समय ही बताएगा, 11 मई को हमें सब पता पड़ जाएगा। वैसे इस फ़ोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा पंच होल वाला कैमरा, और वो भी पंच होल में दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, मतलब एक सी पिल शेप जो शेप बन जाता है, सी पिल जैसा शेप बन जाता है दो कैमरास को मिला करके, वैसा इसमें आपको फ्रंट में सेटअप देखने को मिलेगा सेल्फीज़ के लिए कैमरा का। और इसमें आपको जो बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा वो 6GB रैम के साथ 128GB वेरिएंट देखने को मिलेगा, ये कंफर्म हो गया है। और शायद इसमें हो सकता है हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा क्या आप रेडमी K30 5G के लिए एक्साइटेड हैं। जैसे इतने सारे लीक्स रूमर्स और न्यूज़ शाओमी पोको रेडमी की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है, तो रियलमी कैसे पीछे रहे। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ रियलमी हमेशा शाओमी को फॉलो करता है, तो रियलमी की भी आज उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है 60x जूम। मे बी पॉसिबल ये जो रियलमी की जो अपकमिंग डिवाइस है जिसका मॉडल नेम है रियलमी X3 सुपर जूम, इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है 60x का जूम। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे ओपिनियन से, आप इसको कन्फर्म मत मानिएगा, इसमें उन्होंने इस डिवाइस में उन्होंने वही पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जो Xiaomi ने अपने Mi 10 लाइट में यूज़ किया था, जिससे कि जो जूमिंग की जो कैपेबिलिटी होती है स्मार्टफोन की उसको हम हाइब्रिड जूम के जरिए या हाइब्रिड जूम की टेक्नोलॉजी के तहत उसको हम 50x या 60x तक उसको ले जा सकते हैं। वैसे मैंने ये सब जिमिक्स भी हो सकते हैं अपनी डिवाइसेस को सेल करने के लिए, कमेंट्स करके बताइएगा मेरे को आप क्या जो इतना जूम होता है एक्चुअल में इतना काम करता है, वो तो जब डिवाइसेस हमारे हाथ में आएगी और हमें एक्चुअल उन्हें यूज़ करने को मिलेगा तो ही हमें पता पड़ेगा कि वाकई में कितनी एफिशिएंट होती है, और इतना जूम करने के बाद जब फोटो निकल करके सामने आती है उसकी क्लैरिटी किस लेवल पर रहती है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी कुछ टेक न्यूज़ में कहा था पहले के एपिसोड में कुछ दिन पहले कि आईकू वालों ने एक आईकू जेड नाम से ट्रेडमार्क सर्टिफाई कर लिया है, ट्रेडमार्क करा लिया है उन्होंने अपने IQ Z के नाम से इंडिया में। तो मैंने आपसे पूछा बोला भी था कि कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वेरिएबल डिवाइस होगी, कोई स्मार्ट वॉच होगी या टू वायरलेस ईयरफोन्स होंगे, तो ये एक्चुअली आज फाइनली कंफर्म हो गया है कि ये कोई वेरिएबल डिवाइस या स्मार्ट वॉच नहीं होने वाली है। IQ Z1 एक स्मार्टफोन होने वाला है जो वर्ल्ड का पहला फ़ोन होगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर। ये एक 5G प्रोसेसर है और बाकी स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस की हमें फिलहाल नहीं पता पड़ी है, जैसे जैसे मुझे लीक्स पता पड़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा अपनी अगली टेक न्यूज़ में। वैसे फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ घंटी वाला आइकन तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।